आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी आवाज थोड़ा सा कम करें, नहीं मारे इसके माइक को घुमाइए। हेलो, हाँ ये माइक को थोड़ा सामने रखिए। साथियों, हमारे आजादी को 71 साल हो गए हैं। 72वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये हम सब भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। किसी भी धर्म का जो पर्व है उससे बड़ा पर्व है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमने बहुत कुर्बानियों के बाद पाई है। लाखों शहीदों की शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद ये हमने स्वतंत्रता पाई है। याद कीजिए कि कैसे हजारों लाखों युवा इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गए। गांधी जैसे व्यक्ति ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, और भगत सिंह गांधी जैसे हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी तो हमें ये स्वतंत्रता मिली। वो अंग्रेज जिनके राज में पूरे देश दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, हमारे शहीदों की कुर्बानी के कारण भारत में उन अंग्रेजों का सूरज हमने डुबो दिया। पर ये कुर्बानी के साथ उन आजादी के वीरों का कुछ सपना था इस देश के बारे में, और वो ये सपना था कि इस देश के हर नागरिक को जीवन के जो सारे अधिकार, सामान्य अधिकार हैं, वो मिलेंगे। उसको रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ मिलेगा। हम लोग अमन चैन से रहेंगे, धर्म और जाति के नाम पर कोई झगड़े नहीं होंगे। जब आजादी मिली हमें तब की राजनीति सम्मान की चीज मानी जाती थी। तब नेता के सर को सम्मान किया जाता था। तब राजनीति सेवा की चीज थी, ईमानदारी की चीज थी, सच्चाई की चीज थी। पर धीरे 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 ये राजनीति बदलती गई, और ये राजनीति लूट की राजनीति बन गई, बेईमानी की राजनीति बन गई, भ्रष्टाचार की राजनीति। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश के 40% लोग दो समय की रोटी नहीं खा पा रहे। आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, युवा बेरोजगारी से दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आज करोड़ों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं। तो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, वो सपना ना सिर्फ पूरा नहीं हुआ, वो सपना टूट गया। तो आज 15 अगस्त को आजादी की 72वीं सालगिरह पर हम जरूर नमन करते हैं हमारे शहीदों को। पर हमें यह भी विचार करना होगा कि जिस व्यवस्था ने उनके सपनों को तोड़ा है, उस लूट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बदलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करना होगा। और उसी का नाम है आम आदमी पार्टी। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, 15 अगस्त को समय भी नहीं होता। पर राजनीति पर आम आदमी पार्टी कोई सत्ता में बैठने के लिए आने वाली पार्टी नहीं है। अगर सत्ता पर ही हमें बैठना होता तो जैसे बाकी राजनीति कर रही वैसी राजनीति हम भी करके हमारे लिए राह बहुत आसान हो सकती है।
हम व्यवस्था बदलने के लिए आए। जो व्यवस्था लूट और भ्रष्टाचार की बन गई है उस व्यवस्था को बदलने के लिए आए, और वो व्यवस्था तभी बदल सकती है जब सब लोग उसके अंदर शामिल हो जाएं, उस लड़ाई में हर व्यक्ति शामिल हो जाए। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन था, लोगों का आंदोलन था, वो जब लोगों का आंदोलन मिल गया बन गया तो हमारी हमें आजादी मिल गई। वैसे ही अब इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भी जब हम सब लोग शामिल हो जाएंगे, जब हम लोग खिलाफत करने लगेंगे आज हो रहे भ्रष्टाचार की, तब ये भी जन आंदोलन बनेगा और ये तब जाकर व्यवस्था का परिवर्तन होगा। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सिर्फ रस्म अदायगी का दिन नहीं, बहुत गंभीरता से विचार करने का दिन, बहुत गंभीरता से सोचने का दिन है कि हजारों लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी है वो व्यर्थ में ना चली जाए, और जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने की हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी आजादी अधूरी है, इस आजादी को पूरा करना होगा, और उस आजादी को अगर हमें पूरा करना है तो हर आजादी की लड़ाई समर्पण मांगती है, शहादत मांगती है। तो आइए हम लोग संकल्प लें कि हम अपने शहीदों के सपने को साकार करें, हम संकल्प लें कि हम सब कुछ त्याग कर भी उनके सपनों का जो देश था, जो भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, जिसमें सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार जैसी सुविधाएं होंगी, जहां किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, जहां युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, जहां महिलाओं का सम्मान होगा, जहां भूख से कोई बच्चा नहीं मरेगा, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होगी, हम सब लोग प्रेम से, अमन चैन से, भाईचारे से रह सकेंगे, वैसा देश हमें बनाना है। आइए हम संकल्प लें कि उन सपनों को हम पूरा करेंगे और एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।